विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार एमपी वालों के लिए सौगातों की बौछार कर रही है। रीवा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार एमपी वालों के लिए कई तोहफों का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान पीएम ने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार केंद्र की योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक और लाभ हम पीएम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं। हमारे यहां गांव के घरों के प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही है। इसके चलते भली भांति के वाद विवाद होते हैं, अवैध कब्जों की आशंका होती है। पीएम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही है। आज गांव गांव में ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है, मैप बन रहे हैं। इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। अभी तक देश भर में 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। पीएम मोदी सोमवार को रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने यहां 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7000 करोड़ से ज्यादा की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 3 ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गांव के विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा कि इसके लिए उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम बिना लिए छिंदवाड़ा के विकास में कमी को लेकर निशाना साधा। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाइयों और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता।